महेश गुप्ता हमारा नाम है। हमारे व्यापार मंडल ये व्यापारी एकता समिति है, जिसके अंदर हम लोग व्यापारियों की सभी प्रकार की व्यापारिक समस्याओं का समाधान और सुझाव निःशुल्क सुझाव परामर्श देते हैं। आज कानपुर के लोगों के द्वारा ऐतिहासिक गंगा मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे नगरवासियों का भ्रमण होता है और जितने भी सामाजिक वर्ग के लोग हैं वो सब आकर के गंगा मेला में एक दूसरे से मिलते हैं और यही हमारा बहुत पुराना इतिहास है। मेरा नाम सौरभ कुमार सक्सेना है। मैं व्यापारी एकता समिति से जुड़ा हुआ हूँ और व्यापारियों की सभी समस्याओं को दूर करता हूँ और यही प्रयास है कि किसी व्यापारी को कोई समस्या ना हो। आज होली के बारे में क्या संदेश देना चाहिए? आज कानपुर के ऐतिहासिक गंगा मेला को सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और होली पावन त्यौहार है हमारा और सभी को मैं यही कहूँगा होली खेलें और गंगा मेला का आनंद लें और सुरक्षित और सहानुभूति से खेलें। मनाया जाता है सर्वप्रथम तो माँ गंगा के चरणों में नमन करते हुए। यहाँ पर गंगा मेला ऐतिहासिक मेला है यहाँ पर, और कुछ लोगों ने जैसे कि बताया जाता है कि हमारे यहाँ होली के दिन, ये आठवें होली के दिन लोगों ने बहुत ज़्यादा आतंकी अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया था, इसकी वजह से हम लोगों ने होली मनाना बंद कर दिया था। आठवें दिन जब हमारे लोगों को छोड़ा गया उस उपरांत में हम लोग होली मनाते हैं। रमाकांत गुप्ता नाम है। आज क्या कहेंगे होली में? तो यही एक सबसे बड़ी संदेश ये देंगे, जो हम लोग भाई भाई पूरे कानपुर नगर के या पूरे प्रदेश के जो अपने नागरिक प्रेम से रहें, आपस में कोई आपस में भेदभाव न करें, और ये जो रंगों का त्यौहार है, जब एक रंग एक साथ मिलता है, चार रंग सात रंग एक साथ मिलते हैं तो वो होली कहलाता है। गले मिलते हैं, दुश्मन दुश्मन गले मिल जाते हैं हम लोग, तो इस तरह हम लोग कानपुर में रहें वो अच्छी बात है और प्रशासन सहयोग करें। व्यापार में व्यापार मंडल हम लोगों ने इसलिए बनाया है कि जो समाज जो व्यापार में समाज की समस्याएं हैं, जो ऑनलाइन व्यापारी होते हैं और भी जो व्यापार हो रहा मेरा उससे मेरा व्यापार बहुत कम हो रहा। दूसरी बात ये बहुत से मूल समस्याएं हैं जो निदान नहीं होता, उसको हम लोग मंच में ला करके इस व्यापार की समस्या को खत्म करने का प्रयास करेंगे और बहुत ही जुनून काम होगा यहाँ पर।